आज रामलला की प्रतिमा को मंदिर परिसर में ले जाया जाएगा। मंदिर के भीतर नहीं लेकिन मंदिर परिसर में ले जाए जाएंगे श्री राम। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देर रात तक एक ट्रक को फूलों से सजाया गया और एक क्रेन की मदद से भगवान राम की प्रतिमा को एक ट्रक पर रखा गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे से जल यात्रा, तीर्थ पूजन, कुमारी सुवासिनी पूजन, वर्धिनी पूजन, कलश यात्रा और भगवान राम की मूर्ति का मंदिर परिसर में भ्रमण करवाया जाएगा। पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है। तस्वीरें भी आपको हम अलग अलग दिखा रहे हैं, जिस ट्रक को यहाँ पर सजाया जा रहा है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है और पूरी रात जो है वो तैयारियां हुई हैं आज की पूजन के लिए। सरयू तट पर दीपोत्सव का नजारा भी देखने को मिला, तो कहीं जहां पर लता मंगेशकर चौक है उसे भी सजाया गया है। तो पूरी अयोध्या नगरी जो है उसे सजाकर तैयार कर दिया गया है। दीपोत्सव का नजारा आपको हम दिखा रहे हैं सरयू नदी के तट पर। दीपोत्सव कल मनाया गया और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए, तो बहुत बड़ी तादाद में सरयू नदी के तट पर आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल कर देखने को मिला है। लाखों लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने दीपोत्सव यहां पर मनाया है और इस तरह से कल अयोध्या नगरी जो है दीपों की रोशनी से जगमगा उठी और सरयू नदी का जो किनारा था खासकर वहां पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर अब आपको हम लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से उसे पूरा सजा दिया गया है। ये लता मंगेशकर चौक है जहाँ पर आप सितार भी देख रहे हैं और इस तरह से पूरा जो चौक है वो रोशनी में नहाया हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरती से अलग अलग जगह को अयोध्या में सजाया गया है, सबका एक अलग और खास महत्व है। अब आपको हम विवेक षष्ठी भवन का वो स्थान भी दिखाते हैं जहां गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति को पिछले 6 महीनों से लगातार मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज तैयार कर रहे थे, जहां विश्व हिंदू परिषद ने विशेष कर्मकुटी हवन पूजन किया है। वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर में रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन रामलला की जो मूर्ति है वो अयोध्या में तैयार कहां पर हुई है ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं एनडीटीवी पर। ये आप देखिए, ये अयोध्या में राम सेवकपुरम का इलाका है और यहां पर ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये विवेक सृष्टि ट्रस्ट की ये इमारत है। यहां पर योगा सिखाया जाता है और मेडिटेशन यहां पर भक्त लोग करते हैं। इसी जगह पर जो अरुण योगीराज हैं उन्होंने 6 महीना रहकर इसी जगह पर जो रामलला की मूर्ति है उसको तैयार किया है। यहाँ पर 16 जनवरी को जब रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ, धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ, तो यहीं पर मंगलवार की शाम को अनिल मिश्रा जो कि उस समय यहाँ पर यजमान थे वो यहाँ पर बैठे और इसके बाद में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक कर्म कोटि एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो वो जो कर्म कोटि धार्मिक अनुष्ठान है वो इसी जगह पर किया गया जहां पर मूर्ति बनी हुई थी। क्योंकि जब मूर्ति निर्माण जिस जगह पर होता है वहीं पर कर्म कोटि होम किया जाता है, तो इसी जगह पर जो है वो मंगलवार की शाम को मूर्ति निर्माण के स्थान पर कर्म कोटि होम किया गया। एक जो आप ट्रक देख रहे हैं इसी ट्रक में रामलला की जो मूर्ति है उसको रखकर और उसके बाद में इसको राम जन्मभूमि ले जाया जाएगा। ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ है वो लक्ष्मीकांत दीक्षित जो कि 121 जो पुजारी लोग आए हुए हैं वाराणसी से, उनमें लक्ष्मीकांत दीक्षित की देखरेख में जो है ये हुआ है। और आज बताया जा रहा है कि बुधवार को 1:20 के बाद जो है जल यात्रा, तीर्थ पूजन और रामलला की मूर्ति का जो प्रसाद परिसर में भ्रमण करवाया जाएगा। तो ये जो विवेक सृष्टि का इलाका है ये राम सेवकपुरम में है। आइए आपको दिखाते हैं कि इसी जगह पर रहकर जो अरुण जो हैं उन्होंने यहाँ पर रहकर जो है वो मूर्ति को तैयार किया। 6 महीना तक वो यहाँ पर रहे
और इसके बाद में तीन मूर्तियां बनी थी और तीन मूर्ति में अरुण योगीराज की जो मूर्ति है उसका चयन किया गया। 51 इंच की ये मूर्ति है और इसका वजन 150 से लेकर 200 किलोग्राम है। ये कहा जा रहा है कि ये जो मूर्ति है ये इसी विवेक सृष्टि ट्रस्ट, आप जो देख रहे हैं इंटरनेशनल योग एंड मेडिटेशन इंस्टीट्यूट, इस जगह पर अरुण योगीराज जो है, जो मैसूर के बहुत ही नामी मूर्तिकार हैं, 45 साल इनकी उम्र है और खुद चंपतराय ने बताया कि ये बहुत ही हंसमुख हैं और इन्होंने बहुत त्याग और परिश्रम किया इस मूर्ति को बनाने में। परिवार से 15-15, 20-20 दिन बीत जाते थे, बात नहीं करते थे। 6 महीने तक वो यहीं पर रहकर उन्होंने रामलला की मूर्ति को तैयार किया। मीडिया से बात करते हुए अरुण योगीराज के परिवार ने कहा कि उनके आंख में चोट भी लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने चोट की परवाह नहीं की और दिन रात जो है वो उन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई। मूर्ति की खासियत के बारे में भी चंपत राय बता रहे थे कि चूंकि ये 5 साल के बाल्यावस्था की ये रामलला की मूर्ति है, तो इस मूर्ति में एक बाल्यावस्था की सौम्यता और भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का शील और उनका एक आध्यात्मिक जो महत्व है वो इस मूर्ति के जरिए प्रदर्शित कहीं ना कहीं किया जाना था। तो इसी के वजह से जो 11 ट्रस्टी हैं उन्होंने इस मूर्ति को देखा और उसके बाद में इस मूर्ति का चयन किया गया। हालांकि जो 2 और मूर्तियां हैं उनको भी उन्होंने कहा है कि उचित स्थान दिया जाएगा, लेकिन ये जो अरुण योगीराज हैं इनकी मूर्ति का चयन किया गया और इसी जगह पर रहकर अरुण योगीराज ने 6 महीने में रामलला की जो मूर्ति है उसको तैयार किया। ये एक खास बात है और आज 17 तारीख है, मूर्ति का जो है वो परिसर भ्रमण करवाया जाएगा। उसके बाद में 18 तारीख को मुख्य जो गर्भगृह है वहाँ पर मूर्ति को विराजमान किया जाएगा और इसके बाद में 21 तारीख तक जो है ये जो मूर्ति है इसका 12 अधिवास चलेगा और फिर 22 तारीख को 12:20 पर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और सर संचालक जो है उनकी मौजूदगी में फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। अयोध्या के विवेक सृष्टि से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और सीधे आपको अब अयोध्या नगरी ले चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं और रवीश वहां पर मौजूद हैं उसी विवेक सृष्टि भवन में जहां पर भगवान राम की जो मूर्ति है, रामलला की मूर्ति, वहां पर उन्हें रखा गया है और आज परिक्रमा के लिए बाहर निकाला जाएगा। रवीश कैसी तैयारियां हैं वहां पर, दिखाएं क्या नजारा है और आज क्या कुछ खास होने जा रहा है रवीश, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, बिल्कुल, रामलला की जो मूर्ति है जो अरुण योगीराज ने बनाई है वो इसी भवन में अभी रखी गई है और रात भर यहाँ पर जो चंपत राय हैं, तमाम सारे प्रशासनिक लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। ये आप देखिए एक बहुत बड़ा परिसर है और इस परिसर में ये जो रामलला की मूर्ति है ये रखी गई है। आज 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि रामलला की मूर्ति को यहाँ से ले जाया जाएगा और राम जन्मभूमि क्षेत्र में लेकर जाया जाएगा। जो मूर्ति का जो भ्रमण है उसको वहाँ पर एक करवाया जाएगा। इससे पहले कल हमने देखा था कि कर्म कुटी एक होम होता है, एक यज्ञ होता है, उसको यहाँ पर विवेक सृष्टि के इस भवन में किया गया था। चूंकि ये ऐसा होम होता है, ऐसा हवन होता है कि जहाँ पर जब मूर्ति तैयार की जाती है उसी जगह पर होता है, तो इसी के वजह से इस जगह पर जो है वो कर्म कुटी जो होम है उसको किया गया। अरुण योगीराज यहीं पर 6 महीना तक रहे और उन्होंने बहुत ही परिश्रम, लगन और एकाग्रता के साथ में मूर्ति का निर्माण किया है। जो पुरानी वाली मूर्ति है जहां पर अभी जो 70 साल पुरानी मूर्ति है रामलला की, उस मूर्ति को भी जो है वो मुख्य गर्भगृह में रखा जाएगा इस मूर्ति के साथ में। तो आज यहाँ पर तमाम सारे जो कार्यक्रम हैं वो होंगे, आज दिन भर कार्यक्रम चलेगा क्योंकि संतों का एक जो शोभा यात्रा है वो निकलेगी और उसके बाद जब मूर्ति यहाँ से लेकर जाएगी, हालांकि पहले ये कार्यक्रम था कि नगर भ्रमण करवाया जाएगा मूर्ति का, लेकिन अब जो है वो हो सकता है कि यहीं से मूर्ति जो रामलला की मूर्ति है उसको सीधे यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर पर जो है वो राम मंदिर बन रहा है, तो वो राम मंदिर में लेकर जाया जाएगा और फिर परिसर के अंदर जो है वो मूर्ति का प्रवास कराया जाएगा। 16 तारीख यानी कल से जो है वो धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुका है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और 12 अधिवास कराया जाएगा मूर्ति का, अन्न अधिवास, अग्नि अधिवास,
ये सारी जो है आमतौर पर जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो 3 अधिवास होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है तो 12 अधिवास जो है वो कराए जाएंगे। मूर्ति के बारे में जो है बहुत जानकारी चंपत राय जी दे रहे थे कि 11 ट्रस्टियों ने बाकायदा जो है वो मूर्ति को देखा और उसके बाद में 3 मूर्तियां बनाई गई थी और 3 मूर्तियों में से अरुण योगीराज की मूर्ति को सबसे ज्यादा पसंद किया गया क्योंकि मूर्ति में सौम्यता थी बाल्यावस्था की और कहीं ना कहीं एक आध्यात्म और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो वैभव है, जो एक आध्यात्म है, जो एक विनय है, जो एक शील है, वो भी इस मूर्ति में झलक रही थी, तो इसके वजह से मूर्ति का जो है वो चयन किया गया। खुद उन्होंने कहा कि ये इन्होंने बहुत त्याग और परिश्रम किया है मूर्ति को बनाने का, तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर जो है वो बहुत दिलचस्पी है, बहुत एक आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा है लोगों के अंदर, लेकिन लग यही रहा है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है जिस वाहन से मूर्ति को लेकर जाया जाएगा उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया था, यानी मूर्ति को सीधे जो है वो मंदिर में लेकर जाया जाएगा। हालांकि जब ले जाया जाएगा तो बहुत सारी जो पुलिस व्यवस्था रहेगी, प्रशासनिक लोग होंगे वो यहाँ पर रहेंगे और उनके देखरेख में जो है वो मूर्ति जाएगी राम मंदिर में, लेकिन अयोध्या का जो माहौल है अदिति, वो माहौल जो है वो बहुत ही एक अद्भुत माहौल है, बहुत आध्यात्मिक माहौल है और हर यहाँ पे कहा जाता है कि अयोध्या के कणकण में राम बसते हैं, तो वही माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रवीश बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चेहरे की रौनक जो है वो भी कहीं ना कहीं बता रही है कि किस तरह का माहौल इस वक्त अयोध्या नगरी में हो गया है। हम आपके पास आएंगे, यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बार राम मंदिर का जो एनिमेशन है वो भी दिखाते चलते हैं कि कितना सुंदर भव्य राम मंदिर जो है वो बनाया गया है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत इसमें कारीगरों ने काम किया है। यहाँ पर अगर हम दिखाएं यहाँ पर तो नागर शैली में जो निर्माण है राम मंदिर का वो यहाँ पर किया गया है और साथ ही 70 एकड़ जो है उसमें ये मंदिर परिसर जो है वो पूरा बना हुआ है। तो ये इस तरह से मंदिर का जो प्रांगण है वो देखने को मिलता है। ये आप देखिए इस तरह से इसकी नागर शैली में खूबसूरती से इसका निर्माण किया गया है, ये हम सब जानते हैं। और इसके अलावा ये जो हरित इलाका होगा वो 70% जो होगा वो हरित इलाका क्षेत्र है मंदिर परिसर में। 70 एकड़ में मंदिर बनाया जा रहा है, 70% इलाका हरित क्षेत्र होगा और 30% जो इलाका है एक उसमें निर्माण कार्य जो है वो किया गया है। इसके अलावा 2.7 एकड़ जो है उसमें राम मंदिर जो है वो स्थापित है। इसमें हम देख सकते हैं कि अंदर का जो स्थान होगा वो 2.7 एकड़ का होगा और मंदिर में श्री राम का बाल स्वरूप हमें देखने को मिलने वाला है। ज्यादा दिन अब बाकी नहीं है क्योंकि राम लला इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि बाल स्वरूप में यहाँ पर श्री राम विराजे हुए हैं और गर्भ